अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशंस को डेवलप कैसे करते हैं। जब हम एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है और किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को हम चूज़ करते हैं। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम डेवलपमेंट करेंगे दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो को आप इजीली उसकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका न्यू वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को जब ओपन करेंगे इसका सारा SDK सेटअप हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ से चूज़ करना है, आपके पास आ रहा होता है एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, मेरे पास पुराना वर्जन है क्योंकि मैंने काफ़ी पहले किया हुआ है, इस वजह से मेरे पास एम्प्टी एक्टिविटी आ रहा है। जो न्यू वर्जन करेंगे उनके पास एम्प्टी व्यू एक्टिविटी आएगा, आपने वो चूज़ करना है। जैसे ही मैं इसको चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें मुझे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का नेम होता है। आप जो भी अपनी एप्लीकेशन को नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज़ मैं कहती हूँ जी, मैं ये नाम स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट पे देखें हमारे पास पैकेज नेम है। पैकेज नेम के बाद पैकेज नेम बेसिकली जिस तरह से डोमेन नेम होता है सेम उसी तरह से पैकेज नेम होता है। ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आपकी सेव लोकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी CRE होगी, आपने चेंज करनी है तो उसको चेंज कर सकते हैं। मेरी अब इस टाइम पर मैं चेंज करती रहती हूँ तो मेरी इस टाइम पर H लोकेशन आ रही है। ठीक है, देन आपके पास ये होता है लैंग्वेज, आपने किस लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनानी है। हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे दैट इज़ जावा। ठीक है, आप कॉटलिन भी यूज़ कर सकते हैं, जावा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, आप जिस लैंग्वेज पे बना रहे हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से जावा को सेलेक्ट करती हूँ। देन आपके पास आता है मिनिमम SDK। SDK होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, अब SDK के अंदर आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, एक आपका API लेवल आता है, दूसरा आपका एंड्रॉयड का वर्जन नंबर आता है और तीसरा आपका वर्जन नेम आता है। अभी इस टाइम पर जो करंटली मैंने सेलेक्ट की हुई है दैट इज़ API 21 लॉलीपॉप और उसका वर्जन है 5.0। ठीक है, आप नॉगेट यूज़ कर सकते हैं, मार्शमेलो यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो API आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको ये बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन कितनी डिवाइसेस को सपोर्ट करेगी, कितनी परसेंट डिवाइसेस पे आपकी एप्लीकेशन रन होगी। अगर आप देखें तो मैंने इस टाइम पे लॉलीपॉप चूज़ किया हुआ है और मेरी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.5% ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करती हूँ, लाइक लेट सपोज़ मैं यहाँ पर कर देती हूँ जी ये 7.0 वर्जन सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 95.4% ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लॉलीपॉप भी आपका अच्छा काम करती है। ठीक है, तो मैं लॉलीपॉप को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से फिनिश कर देती हूँ। जैसे ही आप फिनिश करोगे, ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, आपके फोल्डर्स को बिल्ड करेगा और एक पूरी हायरार्की क्रिएट करेगा। ठीक है, उस हायरार्की के अंदर जैसे जब आप कहीं भी काम करते हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो तो हर एक का एक स्पेसिफिक फोल्डर की हायरार्की बनती है जिसमें हमें ये पता होता है कि हमने किस किस फोल्डर में जाके क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो फिर फोल्डर्स को हम डिटेल में देखेंगे कि हर फोल्डर का अपना क्या पर्पज़ है। ठीक है, मेन अगर हम बात करें तो एक आपके पास मेजर दो फोल्डर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन का फोल्डर होता है और एक ग्रेडल का फोल्डर होता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, ये लोड होगा। ठीक है, ग्रेडल का फोल्डर बेसिकली क्या करता है, ग्रेडल का फोल्डर आपके लिए आपका इंजन होता है। ठीक है, ग्रेडल बेसिकली इंजन है, इंजन अगर ठीक चलेगा तो आप अपने हर कोड को रन कर सकते हैं। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो इट मींस या तो आपका वर्जन कंपैटिबल नहीं है या कि कोई SDKs मिसिंग हैं या आपने कुछ सही से SDK डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो आप सेटिंग में जाके SDK मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या वो API जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो वो आपके इंस्टॉल्ड है या नहीं है, चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा। देन ग्रेडल के अंदर ही हम एक्सटर्नल जो लाइब्रेरीज होती हैं इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से ग्रेडल जो होता है वो आपकी हेल्प करता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल डिज़ाइन होते हैं अटैच करनी है तो उसकी डिपेंडेंसी मुझे ग्रेडल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन काम होता है ग्रेडल का जिसके अंदर जो हमारा इंजन होता है और उसके अंदर हमने कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करनी है तो मुझे उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, देन उसके
बाद हमारे पास एक ऐप का मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा लोड हो जाता है तो आप देखेंगे ये दो मेन फोल्डर्स मुझे शो होंगे। फिर जैसे ही मैं किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन करूँगी तो उसमें मल्टीपल अदर फोल्डर्स होंगे, नेस्टेड फोल्डर्स होंगे जिनमें हम काम करेंगे। और जब हम एप्लीकेशन में काम करते हैं तो एप्लीकेशन में हर पेज को मल्टीपल पेजेस होते हैं आपके। ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करती है, मल्टीपल पेजेस को मिला के एक एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, तो एंड्रॉयड में अगर मैं पेजेस की बात करती हूँ तो हर पेज को कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, जब भी आप पेज बनाओगे इट मीन्स कि आपकी एक्टिविटी बनेगी। और हमारे पास मेन दो लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, एक होती है फ्रंट एंड लैंग्वेज, एक होती है बैक एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड जो लैंग्वेज है वहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ XML लैंग्वेज, और XML जो है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, फिर बैक एंड पे जो भी काम करते हैं, लॉजिक जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमें जावा के साथ काम करना पड़ता है। तो जब भी आप अपना एक पेज बनाएंगे उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट में आपके साथ एक फ्रंट एंड का पेज ऐड होगा। जैसे ही आप अपनी एक्टिविटी ऐड करते हैं एक फ्रंट एंड का पेज होगा, एक बैक एंड का पेज होगा। ठीक है, फिर वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और उनके साथ हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लाइक आप जब भी अपनी कोई एक्टिविटी बनाओगे, ठीक है, पहले तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन बनाई ना तो डिफ़ॉल्ट एक एक्टिविटी आपकी बनी हुई आ जाएगी, XML में भी एक आएगी और जावा में भी एक आएगी। फिर जिस जिस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटीज़ डालते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या करते जाते हैं, उसके अंदर पेजेस को ऐड करते जाते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज़ को ऐड करते जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमने काम किस तरह से करना है। ठीक है, जैसे ये लोडिंग होती है उस तक फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें मेरे फोल्डर्स बिल्ड हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास मेजर दो फोल्डर्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास मेजर दो फोल्डर्स आ रहे हैं, ऐप का फोल्डर आ रहा है, ग्रेडल स्क्रिप्ट का आ रहा है। ग्रेडल स्क्रिप्ट बेसिकली इंजन होता है, वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। लाइब्रेरीज होती हैं, जो भी आपने जो आपका वर्जन है, आपकी एप्लीकेशन का टारगेट वर्जन क्या है, मिनिमम SDK वर्जन क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंशन होता है। देन आपके पास आपका फोल्डर, फोल्डर ओपन कर तो आप मेरे पास मेन फोल्डर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैनीफेस्ट का फोल्डर। अब इस फोल्डर का पर्पज़ क्या है, फेस्ट का जो फोल्डर है बेसिकली परमिशंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइक आपने कोई परमिशन देनी है तो उसके लिए अक्सर आप देखते हैं आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ से पूछ रहा होता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट मी और एनीथिंग। ये बेसिकली क्या है कि ये परमिशन है जो वो आपसे मांग रहा है, बटन आते हैं अलाउ एंड डिनाई के। अगर तो आप अलाउ करते हो तो एक्सेस मिल जाती है, अगर आप डिनाई करते हो तो एक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जितनी भी परमिशंस होती हैं वो हम मैनिफेस्ट के अंदर डील करते हैं। प्लस मैनिफेस्ट का एक और पर्पस भी है, जब आप अपना पेज बनाते हो तब आपकी जो पेज है आपका, आपकी हर एक्टिविटी मैनिफेस्ट में डायरेक्टली वो रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई एक्टिविटी आपके मैनिफेस्ट में रजिस्टर नहीं हुई, ठीक है, तो इट मींस आपको वहाँ पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दूसरा पर्पस ये है कि ये आपकी एक्टिविटीज़ को रजिस्टर कर रही होती है, आपके पेजेस को रजिस्टर कर रही होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जावा। इसमें जितना भी बैकएंड का काम होगा वो हम जावा में करेंगे। जावा में देखिए आपका पैकेज नेम आ रहा है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये मेरे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नेम से एक फाइल है। यहाँ पे हम बैकएंड का सारा कोड करेंगे। ठीक है, ओके। देन हमारे पास है जी लास्ट, दैट इज़ रिसोर्स। अब पर्पज़ है रिसोर्स बेसिकली होते हैं जितने भी रिसोर्सेज आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हो, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो आपके आइकन्स हैं। ठीक है, तो वो सारे रिसोर्सेज जो आपका डिज़ाइन है ये सारे के सारे किस में आएंगे, रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ आप देखें फर्स्ट फोल्डर है, इसमें मल्टीपल फोल्डर्स और भी हैं। तो फर्स्ट फोल्डर मेरे ड्रॉएबल, अब यहाँ पे ड्रॉएबल का जो उसमें मेनली आपके पास इमेजेस वगैरह होती हैं। ओके, तो जो ड्रॉएबल का फोल्डर है वो हमारे पास, हम उसमें सारी की सारी इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं, जो भी आपने आइकन यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन में जो एक्टिविटी में आपने इमेज यूज़ करनी है, एक्टिविटी में अगर आपने कोई टेक्स्ट यूज़ करना है, अगर कोई एडिट टेक्स्ट यूज़ करना है, तो वो सारे का सारा कहाँ पे आएगा, ड्रॉएबल में आएगा जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इमेजेस होती हैं वो हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेआउट का फोल्डर। अब जो आपका स्ट्रक्चर है ना, जो आपका प्रॉपर डिज़ाइन है, ठीक है, लाइक हम मेरी इमेज कहाँ पे शो होनी चाहिए, मेरा टेक्स्ट कहाँ पे शो होना,
वो के लिए वो आपका इसलिए है, ठीक है। अब ये डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है तो आप चल जाएगा यहाँ पे एक्टिविटी आएगी, उसमें टेक्स्ट देखिए वर्ल्ड का लगा हुआ है पे, यानी इमेज यहाँ कहाँ पे आएगी, सेंटर में आएगी, लेफ्ट में आएगी, राइट में आएगी, तो वो सारी चीज़ें, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, हमने कौन कौन सी चीज़ें प्लेस करनी है, उनको कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है, वो सारे का सारा कहाँ पे आएगा, लेआउट में आएगा, ठीक है। देन हमारे पास है जी मिप मैप का फोल्डर। अब मिप मैप का फोल्डर बेसिकली क्या है, मिप मैप का जो फोल्डर है उसमें आप अपनी एप्लीकेशन का आइकन लगाते हो, ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशन, जब आप देखते हो, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो जब ओपन करते हो, ओपन करने से पहले जो आइकन आपको शो हो रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली योर एप्लीकेशन आइकन, तो वो आपका मिप मैप में आएगा, ठीक है। देन हमारे पास है वैल्यूज़ का फोल्डर। अब वैल्यूज़ का जो फोल्डर है, इसमें आपकी ऐप में कौन से कलर्स यूज़ होंगे वो यहाँ पे स्टोर होते हैं आपकी, देन स्ट्रिंग्स है आपकी एप्लीकेशन में, जो जो टेक्स्ट यूज़ होंगे वो स्ट्रिंग्स में यूज़ होते हैं, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थीम्स हैं, थीम्स आपका डार्क थीम है, लाइट थीम है, जो भी है, डे है, नाइट है, वो थीम्स वगैरह आपके थीम्स के फोल्डर में होंगे, ठीक है। देन आपके पास है XML का फोल्डर, तो XML में रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे XML में ज़्यादातर आप अपना एक जो है, लेट सपोज समटाइम नेटवर्क से रिलेटेड कोई चीज़ें हम डाल रहे होते हैं, ठीक है, हमारा उसको लाइक ऑपोजिट हम कर रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम नेटवर्क की कुछ फाइल्स जो हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये आप इस तरह से इन फोल्डर्स को इस्तेमाल करते हो, ये फोल्डर्स की मेन हायरार्की है जिसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं। होप सो ये फोल्डर्स की हायरार्की आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं डिज़ाइन पे, ठीक है। अब डिज़ाइन में देखें आपको, ये मैंने एक्टिविटी मेन डॉट XML ओपन किया है, बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक डिज़ाइन है, एक स्प्लिट है, एक कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ाइन में आपको मेजर ये डिज़ाइन शो हो रहा है, स्प्लिट में हमें साइड बाई साइड डिज़ाइन प्लस कोड भी शो होगा, और कोड में डेफिनेटली आपको होल कोड शो होगा, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन में वापस चली जाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये कंपोनेंट्री में जो जो एलिमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताएगा कि आप ये एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने को यूज़ करना है तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं लेट सपोज अभी ये जो मेरा डमी टेक्स्ट लगा हुआ है इसको मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है। मैंने डमी टेक्स्ट को रिमूव किया, ओके okay, यहाँ से देखें ट्री में से रिमूव हो गया। अच्छा, एक चीज़ होती है, आप जब भी कोई काम करते हो तो आप पहले लेआउट बनाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि हमें कोई ना कोई लेआउट बनाना पड़ता है, और उस लेआउट के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास है बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड है उसके अंदर आपका कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारे पास जो है ना कंस्ट्रेंट के कुछ रूल्स हैं कि जब भी आप कोई एलिमेंट जो है वो लगाओगे तो उसको फोर साइड से आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, लेट सपोज मैं एक टेक्स्ट व्यू लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से, आपने इस बार से ड्रैग करना और यहाँ पर ड्रॉप कर देना, ठीक। जब मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया तो अब मेन क्या है, अब ये मुझे शो होना शुरू हो गया, यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो ये रेड एरर आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस टाइम पर कंस्ट्रेंट को अपना जो एलिमेंट है, अपना जो व्यू है, उसको कंस्ट्रेंट नहीं किया। यहाँ से आप अगर देखें तो ये देखें, नॉट ओरिजोंटली कंस्ट्रेंट, नॉट वर्टिकली कंस्ट्रेंट। ओरिजोंटल से भी आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा और वर्टिकल से भी, ठीक है। अब ओरिजोंटल से मैं कंस्ट्रेंट करती हूँ, लेट सपोज मैंने इसको ये बिल्कुल लेफ्ट दिया, इसको मैंने राइट से कर दिया, तो ये देखें ओरिजोंटली कंस्ट्रेंट भी हो गया, एंड से भी हो गया। अब अगर इसको मैं वर्टिकली कंस्ट्रेंट करती हूँ, तो मैंने इसको टॉप से भी कर दिया कंस्ट्रेंट, मैंने इसको बॉटम से भी कर दिया कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको फोर साइड से कंस्ट्रेंट कर दिया। आप देख, जैसे ही मैंने कंस्ट्रेंट किया है तो यहाँ से एरर जो है वो वार्निंग में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वार्निंग ये हो सकती है कि हार्ड कोडेड टेक्स्ट जो है वो आप सही से मतलब रूल्स को फॉलो करके नहीं दे रहे, लाइक स्ट्रिंग में नहीं दे रहे, डायरेक्टली यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो इस तरह से होती है, ठीक है। एरर का इशू आता है जब आप कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एलिमेंट आपको इधर शो होगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ये एलिमेंट शो होते जाएंगे, लेकिन आपको कंस्ट्रेंट में कंस्ट्रेंट करना मस्ट है। अब लेट सपोज इसको मैं थोड़ा ऊपर शो कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको पिक करके यहाँ तक ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन में क्या करना चाहती हूँ, भी आप डिज़ाइन करें, पहले अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपके पास सर्च बार आ गया, ठीक है। अब इस सर्च बार में फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इस सर्च बार में
इसको डिज़ाइन करना चाहती हूँ। डिज़ाइनिंग में मैं सबसे पहले लेट सपोज इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे लिखें फॉन्ट साइज़ लिखें या डायरेक्ट साइज़ लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखें मैंने साइज़ लिखा, ये टेक्स्ट साइज़ था दैट्स वाई नहीं आ रहा था, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट साइज़ लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका 14 SP है, SP यूनिट होता है आपके टेक्स्ट का और ये सबसे कंपेटेबल यूनिट है टेक्स्ट के साथ। अब यहाँ पे मैंने चेंज करना है, लेट सपोज मैं 24 कर देती हूँ, लेकिन नॉर्मली हम 16, 18, 20 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं 24 कर देती हूँ, क्या तो आपके पास आपको ये थोड़ा बड़ा नजर रहा होगा। अब ये मैंने फॉन्ट साइज इसका इतना ही रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया। अब लेट सपोज मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कलर, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट का कलर आ रहा है, टेक्स्ट में डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर हाईलाइट है, टेक्स्ट कलर हिंट है, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास, उसका कलर आपने चेंज करना है या जो भी। अब मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर पैलेट यहाँ पे क्लिक करूँगी, कलर पैलेट आ रहा है, ठीक है। अब इसे मैं अपने टेक्स्ट को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से कलर कर देती हूँ जी ये वाला कलर, ठीक है, ओके। तो ये कलर यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखें टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब इस टेक्स्ट कलर के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करूँ, ठीक है, थोड़ा थिक करूँ, इसकी विड्थ को इंक्रीज करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको यूज़ करते हैं। ये देखें टेक्स्ट स्टाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है नॉर्मल, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, इसको ओपन कर लें, आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल करना है आपने, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। अब मैं बोल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है, और अगर इटैलिक भी करना चाहते हैं तो इटैलिक पे भी टिक कर दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होंगे, अब ये ट्रू हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने बोल्ड भी कर दिया, मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, मैंने कलर चेंज कर दिया। अब लेट सपोज मैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहती हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से सर्च किया और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ चुकी है। डिफ़ॉल्ट इसकी सैन सेरिफ अप्लाई हुई हुई है, यहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास एंड्रॉयड में डाउनलोडेड हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी फैमिली इसमें से हम ये चेंज कर सकते हैं, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, देखिए ये चेंज। अब अगर ऐसी फॉन्ट फैमिली, इनमें से मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, मुझे न्यू कोई डाउनलोड करनी है, तो आप मोर फॉन्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये फॉन्ट्स आपको शो करवाना शुरू कर देगा, ये डाउनलोडेड फॉन्ट्स हैं जो आपके पास एंड्रॉयड के आ रहे हैं। अब ये फॉन्ट्स जो है ना, इनको आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब लेट सपोज़ मैं इनमें से कोई भी एक फॉन्ट जो है वो चूज़ कर लेती हूँ, मैंने ये फॉन्ट चूज़ किया, ठीक है, ओके करूँगी, ये डाउनलोड होके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये देखें ये फॉन्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यानी कि फॉन्ट आपकी अपनी चॉइस है ना, आप क्या उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, बहरहाल मैं इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ये था कि अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैंने दोबारा वापस चेंज कर दिया, ठीक है, फॉन्ट फैमिली आपने चेंज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आप अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये विद द हेल्प ऑफ कोड भी साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट हो चुका है, अगर मैं कोड में जाऊँ तो आप देखें हमारे पास कौन कौन सा कोड ऐड हुआ है। मैं स्प्लिट पे जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें मेरे पास ये मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है, क्योंकि मैं लेआउट जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ कंस्ट्रेंट, ठीक है, और कंस्ट्रेंट लेआउट मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है, जो कि मैंने आपको बताया जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। नेम स्पेसेस आपके एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग आ रही होती हैं, ठीक है। अब जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो विड्थ और हाइट आपकी सेट हुई भी आती है, ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखें विड्थ है मैच पेरेंट, अच्छा अब मैच पेरेंट क्या है और रैप कंटेंट क्या है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि ये देखें आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका हाइट वाइज मैच पेरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विड्थ वाइज मैच पेरेंट है, ठीक है। तो पेरेंट का मतलब है पूरी स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी हाइट और विड्थ सेट हो चुकी है। देन इसके अकॉर्डिंग जो बैकएंड का कोड है वो क्या है, ये देखें कॉन्टेक्स्ट में बैकएंड का पेज है मेरे पास डॉट मेन एक्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने बता दिया कि ये मेरी मेन एक्टिविटी है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पे है हमारे पास ये देखें टेक्स्ट व्यू है जो कि हमने ड्रैग किया था, यहाँ पे इसके बैकएंड पे क्या हो चुका है,
कोड ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें इतने सारे एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। आईडी आप क्यों देते हो? आईडी बेसिकली हम जावा में जब कॉल करते हैं ना, तब हम आईडी स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आईडी के थ्रू हम कॉल करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये मेरी है आईडी, ठीक है। अब जब भी आईडी ये टैग के अंदर जब आप स्टाइलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये टेक्स्ट भी आपका टैग है, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं आपके एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेसिकली आईडी है, आईडी जब भी आपने बैकएंड पे कॉल करना होगा इस टेक्स्ट व्यू को किसी को भी, तो आपकी आईडी हेल्पफुल होती है। आईडी का सिंटैक्स क्या है, आपने क्या करना है, आपने एंड्रॉयड कॉलन आईडी लिखना है इक्वल्स टू ये @ प्लस आईडी / ये इसका सिंटैक्स है। आगे आपने अपने टेक्स्ट व्यू को कोई भी आईडी असाइन कर देनी है। फिलहाल टेक्स्ट व्यू ही है, आप वैसे इसको ये कर सकते हैं, ये जो मेरी एप्लीकेशन का नेम है, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ भी टीवी, ठीक है, ऐप नेम लेट सपोज, ठीक है। तो ये मैंने ये भी आईडी दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने टीवी लिखा फॉर टेक्स्ट व्यू और आगे ये मेरी एप्लीकेशन का नेम था, तो ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, विड्थ इसकी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हर व्यू में यूज़ होंगे। यहाँ पे देखें मेरी विड्थ जो है वो है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब है जितना कंटेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये रैप हुई भी होगी। अब जैसे टेक्स्ट व्यू में कितने लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रैप कर देगा। अगर मैं इसको मैच पेरेंट करती हूँ, ठीक है, तो ये पेरेंट के साथ विड्थ वाइज मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैच पेरेंट, ठीक है। अब ये देखें ये पेरेंट के साथ मैच हो गया ये, ठीक है। ये देखें ये शोर है, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ। तो आप इसको मैच पेरेंट करना चाहें मैच पेरेंट कर सकते हैं, रैप कंटेंट करना चाहें रैप कंटेंट कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ये रैप कंटेंट है। अगर लेट सपोज मैं कोई वैल्यू देना चाहती हूँ, लेट सपोज मैं कहती हूँ 20 pixels, पिक्सल आपका यूनिट है, ठीक है। अब ये देखें 20 बहुत कम है, तो ये टेक्स्ट जो है ना ये इतना कम सा आपको शो हो रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं लेट सपोज कहती हूँ 200 pixels, ठीक है, जितना आप साइज देंगे 200 में, ये देखें ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो बेटर होता है कि आप इसको रैप कंटेंट या मैच पे रखें, ठीक है, ओके। मैंने इसको रैप कंटेंट अगेन कर दिया। अब हाइट क्या है, वो भी रैप कंटेंट है। अब देखें ये हाइट वाइज भी रैप कंटेंट हुआ हुआ है। हाइट वैसे भी मैच पेरेंट नहीं हो सकती क्योंकि फिर इस पेरेंट के ऊपर मल्टीपल एलिमेंट्स ने शो होना है, ठीक है। देन आपके पास ये फॉन्ट फैमिली है जो कि मैंने फ्रंट एंड से अप्लाई की थी। जैसे ही मैंने फ्रंट एंड से अप्लाई की, बैक एंड पे देखें ऑटोमेटिकली कोड अटैच हो गया। इस तरह टेक्स्ट, टेक्स्ट अब आपने अगर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू, मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देती हूँ जी ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये बेसिकली क्या है, ये मेरा टेक्स्ट है। इसी तरह टेक्स्ट का कलर है, तो कलर का एक हेक्सा कोड है, ठीक है। ये हेक्सा कोड जो है ये आप इस कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कलर आपको शो हो रहा है। अगर कोई कलर आपका कलर की फाइल में स्टोर है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप यहाँ से ऐप में जाएंगे, ठीक है, वो कलर यूज़ करना चाहते हैं, रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिसोर्स में गई, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में गई, मैंने कलर की फ़ाइल को ओपन किया। देखिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कलर्स होंगे, ठीक है, ओपन करती हूँ मैं इसको। ये देखिए मेरे पास मल्टीपल कलर्स हैं, लेट सपोज़ मैं यूज़ करना चाहती हूँ ब्लैक, ठीक है। तो आप ये कलर की वैल्यू दी हुई है, साथ नेम दिया हुआ है, आप उसको बाय नेम कॉल करोगे। मैं यहाँ से ये हेक्सा वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आप कलर में अगर कोई कलर स्टोर है तो वो भी पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करेंगे, @color/your color name, ठीक है। अब जो भी कलर नेम है वो आप पिक कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज ब्लैक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर को, अगर कलर में है तो कलर की फाइल से पिक कर लें, अगर डायरेक्ट हेक्सा कोड देना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट का साइज है, देन देखें टेक्स्ट का स्टाइल है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आपने मल्टीपल टेक्स्ट के स्टाइल्स देने हैं, बोल्ड भी करना है इटैलिक भी करना है, बार बार एट्रीब्यूट रिपीट नहीं करेंगे, बोल्ड और इटैलिक के दरमियान में एक लाइन है जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो एरर आएगा। देखें ये बॉटम से भी कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है, ये एंड से भी कंस्ट्रेंट हुआ, एंड मीन्स राइट, ठीक है, राइट से कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है। अब ये देखें स्टार्ट मतलब लेफ्ट से कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है, फिर आप अगर देखें तो टॉप से भी कंस्ट्रेंट हुआ हुआ है। अब ये दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, हॉरिजॉन्टल बायस ऐड हुआ हुआ है और वर्टिकल बायस ऐड हुआ हुआ है। जब आप यहाँ से इसको करते हैं ना एडजस्टमेंट, लाइक यहाँ से मैं थोड़ी बहुत इधर कर देती हूँ, ठीक है, ये ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल बायस देखें चेंज हो गया यहाँ से। अभी देखें वर्टिकल बायस है 0.067, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ ना, ऊपर नीचे करती हूँ, ये देखें वर्टिकल बायस चेंज हो गया। ये बेसिकली वर्टिकली अगर मैं ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज करूँगी तो वर्टिकल बायस ऐड होंगे, हॉरिजॉन्टली करूँगी तो हॉरिजॉन्टल बायस ऐड होंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये
पास क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बायर्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट नहीं करूँ, लाइक मैं इनको रिमूव कर दूँ, तो आप देखेंगे मेरे टैग में एरर आएगा। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो थोड़े से टाइम के बाद ये देखें, ये टेक्स्ट व्यू में एरर देना शुरू हो गया, नीचे रेड लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऐड टू इग्नोर्स मिसिंग कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट्स, लेकिन आपने इनको इग्नोर नहीं करना है, आपने इनको कंस्ट्रेंट करना है। तो कंट्रोल जी में प्रेस करें ताकि वापस आ जाए, ठीक है। ओके, ये ठीक है। तो अब यहाँ से एरर रिजॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एलिमेंट आपका कंस्ट्रेंट हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो भी टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। आप ये देखें, ये आपका क्लोज हुआ हुआ है टैग, और ये देखें, ये आपका लेआउट सबसे एंड पे क्लोज होता है, ठीक है। आपके पास टैग में दो कैटेगरीज होती हैं, एक सिंगल टैग्स होते हैं, एक पेयर टैग्स होते हैं। सिंगल का मतलब है वो क्लोज नहीं होंगे, और पेयर का मतलब है जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। तो वो आपके पास कौन से टैग होते हैं, वो आपके पास होते हैं जी पेयर टैग्स, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड है। अब लेट सपोज मैं वन बाय वन में एक इमेज ऐड करती हूँ, उसको बैक एंड से देखती जाऊँगी क्या क्या एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे एक इमेज चाहिए, मैंने क्या करना है, अब इमेज मुझे चाहिए ना, ठीक है, मेरे पास लेकिन इमेज नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप क्या करोगे, एक तो इमेज लगाने का तरीका ये है कि आपके पास अगर गूगल में सॉरी अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है इमेज आपके डेस्कटॉप में, लोकल मशीन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये भी काम कर सकते हैं कि आप उस लोकेशन से कॉपी करें और ड्रॉएबल के फोल्डर में आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक्सप्लोरर में ओपन करती हूँ, यहाँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी। अब लेट सपोज ये इसमें होगी, ओके जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेट सपोज मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी इमेज है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करती हूँ, एक तो ये वह है कि डायरेक्ट यहाँ से करें कॉपी और जाएं एंड्रॉयड में अपने ड्रॉएबल के फोल्डर में आके पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर दें इसको जी पेस्ट, तो ये इमेज जो है ओके कर दें। तो ये इमेज यहाँ पे, ये नेम अगर यही रखना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, ओके कर दें। ये इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इमेज ऐड हो चुकी है। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने डेस्कटॉप से ही उठाना चाहते हैं, आप यहाँ पे ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर एसेट में एक वो एसेट्स हैं जो एंड्रॉयड के अंदर स्टोर हुए हैं, जैसे यहाँ से क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स आपको शो होंगे, उन आइकन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपनी लोकल मशीन से उठाना चाहते हैं, तो लोकल फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये फिर फॉर्मेट SVG PSD वगैरह को पिक करा, एसेट टाइप ये होगी आपकी, ठीक है। ये है, अब यहाँ से ब्राउज़ कर लें, जो आपके पास पड़ी हुई है उसका साइज़, उसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने वहाँ पे पिक कर ली है, तो मैं अब इसमें ऐड नहीं करी, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इमेज व्यू के लिए टैग होता है, मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ, यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ इमेज व्यू को। अब यहाँ पे एक विंडो अपीयर होगी है कि आपने इमेज लगानी कौन सी है। मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेती हूँ जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप की है, ठीक है। अब मैंने ये चूज़ कर ली। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो ये इमेज है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना स्प्लिट पे, देखती हूँ क्या कोड ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखें, इमेज व्यू का एक तो टैग ऐड हो गया, आईडी आपको मैं बता चुकी हूँ, विड हाइट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब एडिटर में ये बेसिकली यहाँ पे अला के ऐड किए ना, इसलिए ये एब्सोल्यूट एक्स और वाई एक्सेस ऐड हो गए। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है, और ये बिल्कुल वेरी स्टार्ट पे चली गई, जब मैं कंस्ट्रेंट होंगी तो ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट SRC यूज़ करना है, सोर्स कॉम्पैक्ट को ना यूज़ करें, ठीक है। SRC यूज़ करें तो ये देखें, ये इमेज आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को सबसे पहले क्या करूँगी, कंस्ट्रेंट करूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ डिज़ाइन में, मैं सबसे पहले अपनी इमेज को क्या करूँगी, कंस्ट्रेंट करूँगी, जैसे मैंने अब बॉटम से कंस्ट्रेंट किया ना। अब मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरे पास बॉटम का ऐड हो जाएगा, ये देखें कंस्ट्रेंट बॉटम हो गया ऐड यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मैं वापस जाती हूँ यहाँ, अब यहाँ से मैं इसको टॉप से कंस्ट्रेंट करती हूँ, तो आपके पास एक एट्रीब्यूट इसको टॉप से के बजाय यहाँ पे लेट सपोज मैं कंस्ट्रेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको ये देखें कंस्ट्रेंट किया, ठीक है। अब ये टॉप टू बॉटम ऑफ, लाइक टॉप से ये टेक्स्ट व्यू के बॉटम पे अटैच हुआ है, तो ये इस तरह से इसने कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट राइट से करती हूँ, तो राइट से मैंने बिल्कुल एंड से कर दिया, और इधर से मैंने बिल्कुल ओके। अब यहाँ से आपने बिल्कुल इसको यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। स्प्लिट में हम जाते हैं वापस, देखें आपके कंस्ट्रेंट ये ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब इमेज क्यों नहीं आ रही, पहले इसको मुझे एक मिनट,
चेक कर लेते हैं, हम इमेज हमारी क्यों नहीं आ रही, मैं दोबारा इसको ओके आपने क्या करना है डायरेक्ट SRC लिख दें तो ये आपके पास शो करेगा। ये देखिए एंड्रॉयड कॉलन SRC, एंड्रॉयड था वो ऐप के लिए, ऐप के लिए ऐप कॉलन सोर्स कॉम्पैट है और एंड्रॉयड कॉलन SRC है। अब आपका फोल्डर क्या है, @, फोल्डर को पॉइंट आउट करने के लिए @, फोल्डर का नेम क्या है, ड्रॉएबल, ठीक है। अब ड्रॉएबल के अंदर वो हमारी इमेज पड़ी हुई है, मैंने कहा जी ड्रॉएबल, ठीक है, ड्रॉएबल / और देन आपकी पिक्चर का नेम, मेरे पिक्चर जो है वो @, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इसको इम्पोर्ट कर लें। ओके जी, ये यहाँ से इसको यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, लेट मी चेक, ये आपकी पिक्चर आ रही है ड्रॉएबल में, और अब आप देखें ना तो @ ये यहाँ पे भी शो नहीं हो रही। मैं कोई और इमेज यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से करती हूँ, चलें ये पड़ी रहे। अब यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई और वेक्टर एसेट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से कोई भी आइकन यूज़ कर लेते हैं, यूज़र आइकन है ये यूज़ कर लेती हूँ, ओके करती हूँ। अब यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से कलर चूज हो गया, यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, विड्थ हाइट, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ठीक है। देखें ये अब यहाँ पे ऐड हो गया सुपरवाइज यूजर सर्कल से, इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे SRC में। मैं देखती हूँ ये शो हो रहा है या नहीं, @ ड्रॉएबल, ये देखें यहाँ पे अब @ वाली भी आना स्टार्ट हो गई। अब लेट मी चेक, ये देखें ये थोड़ा टाइम लेता है, डिज़ाइन उसको लोड कर देता है फिर ये आ जाती है, ठीक है। अब ये देखें ये वाली इमेज भी आना स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ यहाँ पे, ये देखें तो इन्हें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बायस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी ऐड हो गए, ठीक है जी। तो ये इमेज मेरे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि इस तरह से आपने इमेज को यूज़ कर लेना है। देन इमेज के बाद लेट्स सपोज अगर आपने कोई बटन वगैरह लगाना है या जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बटन के लिए आप डेफिनेटली यहाँ से बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने कोई भी बटन लगाना है तो आप यहाँ से बटन पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, अच्छा हम इसको ना एक एप्लीकेशन की तरह ही बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखा रहने देती हूँ मेरी एप्लीकेशन का नेम, और चलें ये इमेज रहने देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ सेंटर में, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेंटर कर देते हैं। तो ये बेसिकली है कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ किस तरह से काम करते हैं। लेट मी ओके, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट एंड पे मैंने फर्स्ट पेज बना लिया। अब लेट सपोज मैं इसके बाद, ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसके बाद अब इस पे और कुछ भी नहीं करना चाहती, न्यू पेज बनाना चाहती हूँ। तो न्यू पेज के लिए मैं क्या करूँगी, जब भी मैं न्यू पेज बनाना चाहती हूँ तो न्यू पेज के लिए आपने क्या करना होता है, ऐप के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से न्यू में चले जाना है, एक्टिविटी में जाना है और एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखें एम्प्टी एक्टिविटी मैंने चूज़ कर लिया, अपनी एक्टिविटी का नाम दूंगी। लेट्स सपोज अब मैं साइन अप फॉर्म बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन अप, ठीक है। साइन अप स्क्रीन कर दें, साइन अप एक्टिविटी कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन अप किया तो ये मेरी फ्रंट एंड का नेम आ गया, ये पैकेज नेम वही है जो इंक्लूड होगा, लैंग्वेज है, ठीक है, टारगेट सोर्स सेट क्या है, मेन है। मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक और पेज ऐड कर देगा, ठीक है, वही पेज। अब आप देखें मेरा पास ये पेज है ना, ये मैनिफेस्ट में रजिस्टर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन मैनिफेस्ट में दो पेजेस रजिस्टर हैं इस टाइम पे, क्योंकि बने हुए दो पेजेस हैं, एक है मेरे पास मेन एक्टिविटी, एक है मेरे पास साइन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये एक्टिविटी जो है ये सिंपल एक्टिविटी है, इसका एक्सपोर्टेड फॉल्स है, जबकि इसका एक्सपोर्ट है और इसके अंदर लगा हुआ है इंटेंट फिल्टर, ठीक है। अब इंटेंट आपकी लॉन्चर एक्टिविटी को शो करता है, जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो आपका वो पेज बिल्कुल वेरी फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है जो आपको ये बताती है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी वो वेरी फर्स्ट पे आपको शो होगा। अगर आप इसको लॉन्चर एक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसका नेम ये मेन एक्टिविटी की जगह साइन अप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। इस तरह से
अपने पेजेस को क्रिएट करते हो, ठीक है। अब जब हमारे पास पेजेस क्रिएट हो चुके हैं तो पेजेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ओवरऑल काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लेट सपोज ये अभी मैंने किया जी कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू। अब लेट सपोज मैं साइनअप को डिज़ाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं साइनअप पेज पे जाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। अब इसको भी हम कंस्ट्रेंट लेआउट में डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह मल्टीपल लेआउट्स देखेंगे। बट बहरहाल पहले मैं इसको साइनअप को डिज़ाइन कर लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम साइनअप पेज जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं टॉप पे ले लेती हूँ एक आइकन। आइकन के लिए आपको बताया सबसे पहले मैं ड्रॉएबल में एक आइकन लूँगी। बहरहाल मेरे पास यूज़र का आइकन है तो मैं उसको भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यूज़र का आइकन है तो मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग करती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये यूज़र आइकन जो है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यूज़र आइकन मैं कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, ठीक है। अब जब एरर शो हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से पहले एरर को रिमूव। ओके, अब सबसे पहले तो मैं इसको करूँगी कंस्ट्रेंट। फोर साइड से मैंने इसको कंस्ट्रेंट करना है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया जी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ, इधर बिल्कुल इधर रख लेती हूँ। अब देखें इस आइकन का साइज़ बहुत स्मॉल है ना, मैं अगर इस आइकन के साइज़ को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँगी। आप डायरेक्ट यहाँ से देखें इस आइकन की फाइल को ओपन करें, ड्रॉएबल में जो भी है ये देखें, आपके पास एक एंड्रॉइड हाइट का और एक एट्रीब्यूट है एंड्रॉइड विड्थ का। आप यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसकी हाइट और विड्थ चेंज करती हूँ। लेट सपोज मुझे चाहिए 50, ठीक है। तो देखेंगे ऑटोमेटिकली जब मैंने यहाँ से चेंज किया तो जब मैं साइन अप पेज तो यहाँ पे की हाइट विड्थ चेंज हो जाएगी। ये देखें आप हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी इससे बहुत छोटा है तो मैं इसको जो है ना 70 कर देती हूँ। 70 ओके होगा इसके लिए। अब आप पेज पे जाएं तो यहाँ से इसका साइज़ ये देखें इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये मैंने आइकन लगा लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन पेज में हम जो एडिट टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। क्यों? एडिट टेक्स्ट जो एलिमेंट है वो बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो शो नहीं हो रहा, यहाँ पे सर्च कर लें। यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ मैम, पहले मुझे ईमेल चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज यूज़र नेम चले चाहिए, यूज़र नेम तो उसके लिए प्लेन टेक्स्ट होता है आपके लिए, ठीक है। यूज़र नेम आपका प्लेन टेक्स्ट में आता है, मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ जी ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये प्लेन टेक्स्ट। अब सबसे पहले तो हर आपने जो भी एलिमेंट प्लेस करना है, जो भी व्यू आप प्लेस करेंगे उसको आप कंस्ट्रेंट कर लिया करें पहले ही, ठीक है। कंस्ट्रेंट करने के बाद बाकी जो काम आपने करना होता है वो आप किया करें, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट कर लेती हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको ये कंस्ट्रेंट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको ये कंस्ट्रेंट किया और ये मैं इसको टॉप से कंस्ट्रेंट कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कंस्ट्रेंट हो गया, एरर रिजॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे यस ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है हिंट शो हो गया। अब यहाँ पे मैं नेम के बजाय लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ यूज़र नेम, ठीक है। एंटर यूज़र नेम या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से सर्च करें, यहाँ से आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे टेक्स्ट की, तो ये आपके पास नेम लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एंटर यूज़र नेम, ठीक है। ओके, अच्छा, अब लेट सपोज ये हो गया। अब आपने अक्सर देखा होगा एंटर यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि एंटर यूज़र नेम के पीछे छोटा सा आइकन आ रहा होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, ड्रॉएबल का एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। इसके साथ मैच करें, ड्रॉएबल का एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्योंकि ड्रॉएबल ऐड करना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप उस ड्रॉएबल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ड्रॉएबल ऐड करती हूँ, चलें मैं यहाँ पे ड्रॉएबल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ड्रॉएबल लेफ़्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे या स्प्लिट में यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे इधर जाके उसको सर्च करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरी इनपुट टाइप जो है वो आ रही है एंटर यूज़र नेम टेक्स्ट आ रहा है, इनपुट टाइप मेरी आ रही है टेक्स्ट पर्सन नेम, क्योंकि इसकी मैंने प्लेन टेक्स्ट यूज़ किया है ना।
ओके, तो यहाँ पे मैं ड्राइवल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आप ड्राइवल के लिए यहाँ पे ड्राइवल ऐड कर सकते हैं। मैं मुझे अच्छा, आप किसी भी साइड पे ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे, एंड पे, राइट और आपके एंड सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने लेफ़्ट पे ऐड करा, मैं ड्राइवल लेफ़्ट यूज़ करती हूँ, आप कौन सा ड्राइवल मुझे यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे लेट सपोज़ ये वाला ड्राइवल यूज़ करना है, ठीक है। बहरहाल अब ये देखें ना, इसका साइज़ ड्राइवल का ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके लेफ़्ट पे लगता है ना, वो इतना बड़ा साइज़ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल ये वाला यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसके लिए यूज़र नेम का कोई और नेमिंग कन्वेंशन के लिए वो कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं पहले आइकन डाल लेती हूँ, मुझे जो जो आइकन नीडेड है, मैं यहाँ से वेक्टर एसेट ऐड कर लेती हूँ, यहाँ से इसको नेम के लिए चाहिए टेक्स्ट टाइप कुछ आइकन, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इस टाइप का कोई आइकन आप लगा सकते हैं, इन्फो का आइकन आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो आइकन आपने लगाना है सब पर यू, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यही आइकन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और कलर इसका यही रख लें, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं कलर, ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट, ये कलर है, फिनिश कर देते हैं। अब ये देखें ये किस नेम से है, इन्फो के नेम से है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इन्फो कॉल कर देती हूँ, ये आ चुका है। अब देखें ये भी बेटर लग रहा है, ये बड़ा नहीं लग रहा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में ना स्पेस नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ही पैडिंग ऐड करते हो, ठीक है। आप जब को आपको इनर स्पेस चाहिए होती है तो आप पैडिंग ऐड करते हो, जब आपको आउटर स्पेस चाहिए होती है तो मार्जिन ऐड करते हो। अब इनर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, पैडिंग यूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने पैडिंग यूज़ की, कितनी पैडिंग चाहिए, लेट सपोज 10 dB चाहिए, तो 10 dB दे दी, ठीक है। लेकिन अब ये पैडिंग देखें, 10 dB दी ना, तो ये इसके लेफ्ट साइड से आना शुरू होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे इमेज और एंटर यूज़र नेम के दरमियान में चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे जस्ट पैडिंग नहीं यूज़ करूँगी, मैं ड्राइबल पैडिंग यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ड्राइबल पैडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे ड्राइबल पैडिंग 10 dB दूँगी, तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस आएगी, देखें ये आइकन और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस आ चुकी है, ठीक है। सेम मैं यही काम करूँगी, अब मैं एक और एडिट टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग कर लेती हूँ, यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल लिखा, ये देखें ईमेल के लिए आ रहा है, मैं यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ। सेम यही काम करूँगी इसके लिए भी, सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, अब यहाँ से मैंने कर लिया इसको कंस्ट्रेंट, ओके। अब यहाँ से मैंने इसको कंस्ट्रेंट कर लिया, जिसमें पहले करते हैं ये यहाँ से, ओके इनफ है। यहाँ से हम अपना एडजस्ट करते हैं, ये हमने कर दिया इसको, ओके। अच्छा, अब ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। डिज़ाइन समटाइम ना थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो तब ये एरर शो करता रहता है, लेकिन वैसे यहाँ पे एरर नहीं है, आप स्प्लिट में जाके देख सकते हैं, स्प्लिट में ये देखें एडिट टेक्स्ट पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ से भी कंस्ट्रेंट हो गया, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रहा, सिर्फ इनपुट टाइप चेंज है। अगर आप ऊपर देखें ना, तो इसकी इनपुट टाइप है टेक्स्ट पर्सन नेम, लाइक टेक्स्ट टाइप है इसकी, और इसकी टाइप है टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इसका टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत इसका डिज़ाइन चेंज करूँगी, ओके जी। तो अब यहाँ पे सेम वही काम कर लेते हैं, मैं इसको क्या करती हूँ, पहले हिंट दे देती हूँ, टेक्स्ट कलर हिंट नहीं चाहिए, हाँ हिंट डायरेक्टली आप यहाँ पे हिंट यूज़ कर लें। हिंट मैं कहती हूँ एंटर योर ईमेल, हिंट कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एंटर योर ईमेल लगा लिया यहाँ पे, यहाँ पे ये हिंट शो हो जाएगी, ठीक है। ईमेल आ गया यहाँ पे, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना ये और इसके कलर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, तो आप टेक्स्ट ना दिया करें, आप हिंट दिया करें। यहाँ से टेक्स्ट रिमूव कर लेते हैं और इसको हिंट ही देते हैं, मैं यहाँ से ये देखें ये टेक्स्ट की जगह दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इनको हिंट दे दें, टेक्स्ट के बजाय इसको हिंट में दें, ठीक है। ओके, अब सेम यहाँ पे मैंने हिंट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे मुझे जीमेल का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ से जीमेल का आइकन ऐड करूँगी पहले, एड्रेस
यहाँ से आप ईमेल आइकन, यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वो लगा दें। यहाँ आपने सिंपली डायरेक्ट यहाँ से आके उधर से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा जी मुझे ड्रॉएबल चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लेफ़्ट साइड पे ही चाहिए, तो मैं ड्रॉएबल लेफ़्ट की प्रॉपर्टी कॉल करूँगी। इमेज मेरे पास है, मैंने लगाना है ईमेल वाला, तो यहाँ पे ईमेल वाला देखते हैं आ रहा है ईमेल, ये आ रहा है, मैंने ईमेल वाला कर लिया। सेम अब मुझे पैडिंग चाहिए, तो मैं ड्रॉएबल पैडिंग यूज़ कर लूँगी। ड्रॉएबल पैडिंग 10 dp इनफ होगी, 10 dp यूज़ कर ली, ठीक है। और सेम विद पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे ये पासवर्ड के लिए चाहिए, तो सेम यहाँ पे आप क्या करते हैं, पासवर्ड में आपके पास न्यूमेरिक पासवर्ड है, टेक्स्ट पासवर्ड है, सिर्फ नंबर्स लेना चाहते हैं न्यूमेरिक ले रहे हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट वाले को पिक कर लेती हूँ, ठीक है। या सेम इसको भी कंस्ट्रेन करते हैं पहले, अब यहाँ पे पहले मैं इसकी हिंट देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे हिंट दे देते हैं एंटर पासवर्ड, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इसको दे देते हैं ड्रॉएबल लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखें ड्रॉएबल लेफ्ट में यहाँ से हम कह देते हैं, अच्छा पासवर्ड ड्रॉएबल नहीं ऐड किया हुआ, तो पहले मैं पासवर्ड का ड्रॉएबल ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ से आप अपना पासवर्ड का ड्रॉएबल ऐड करें, आई टाइप कुछ ऐड कर लें, थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको फिनिश करके ये वाला पासवर्ड ड्रॉएबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जी इमेज ऐड कर लेते हैं, @ ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल में यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट आई लिखती हूँ, वो आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ पैडिंग ऐड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉएबल पैडिंग, ये देखें ड्रॉएबल पैडिंग आ रही है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 10 dp, ठीक है। ये भी मेरा डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में पैडिंग ऐड कर दी, हाँ जी पैडिंग ऐड हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर लेते हैं। जब आपने बटन ऐड किया, सेम बटन ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रॉप करें, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बटन को भी कंस्ट्रेन करूँगी, एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, अब यहाँ पे ये मेरा बटन है, ठीक है। इसकी हाइट पे ट्रैप कंटेंट हुई, आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। बटन के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्स्ट चेंज करूँगी, टेक्स्ट हम लिख देते हैं साइन अप, एग्जाम्पल जावा साइन अप लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब अगर आप इसको डिज़ाइन यहाँ पे नहीं लिखना, आपने ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देना है साइन अप, ओके जी। यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया। देन अगर आप इसको कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, या फिर बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो बटन कलर के लिए आप बैकग्राउंड टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड टेंट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे इसका कलर इस टाइप का कुछ कर लेते हैं, ये इस टाइप का कुछ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास इस तरह से बटन ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट क्योंकि ब्लैक कलर का है, तो वो ज़रा ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं इस कलर को वाइट कर देती हूँ। आपने कलर के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए सिंपली टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर लें। इसको मैं कर देती हूँ वाइट, तो ये आ जाएगा, ये देखिए टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, ठीक है।
इस तरह से आप अपने जो पेज है, आप ये मैंने साइनअप पेज बेसिक सा डिज़ाइन कर लिया है। मैंने कहा मेरे साइनअप में एक आइकन सा लगा लिया है, यूज़र नेम होगा, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, ठीक है, और साइनअप बटन मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। मेन ये है कि आज हमने काम किया कंस्ट्रेंट लेआउट पे, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट क्या है, मल्टीपल लेआउट्स के साथ हम काम कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या है कंस्ट्रेंट और लीनियर में, सबसे बेस्ट कौन सा है जिसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको देखें कि हम इसको कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ किस तरह से करते हैं। आपको मेन नॉलेज होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ पे जाके काम करना है, ठीक है।